गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. वेलकम टू योर TSN इंग्लिश क्लास, क्लास 12. दिस इज़ योर चैप्टर 3, रंगाज मैरिज पार्ट 7 फ्रॉम योर बुक स्नैपशॉट. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द दिस पैराग्राफ योर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द प्रीवियस पैराग्राफ्स. दैट प्रीवियसली रंगा वॉज डिसअपॉइंटेड बाई हियरिंग दिस न्यूज और बाई दिस थिंग दैट रत्ना वॉज ऑलरेडी मैरिड. दैट इज वाई ही लाइक्स रत्ना, बट विद दिस फैक्ट दैट शी इज ऑलरेडी मैरिड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम. बट आफ्टर दैन वॉट वॉज गोइंग ऑन, बिकॉज नैरेटर अरेंज दैट मीटिंग फॉर रंगा एंड रत्ना, एंड ही अरेंज अ शास्त्री, एंड सम हाउ ही मैनेज टू कन्विंस शास्त्री टू you can say that convince Ranga and Ratna for their marriage. So let's read from here only. We left the place on the way. We passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and come out a minute later. Surprising, the girl is not married. It seems someone told me other day that she was. What Shastri told us has turned out to be true after all. But Rangappa, I can't believe that you have been thinking of her. Swear on the name of Madhavacharya and tell me it is true what Shastri said. So here in these lines, what was going on, students, that Ranga. So Ranga jo hai wo Ratna ke bare mein soch raha hai. So here he is thinking about Ranga Ratna, that what was there. So we left the place on the way, we passed by Rama Rao's house. So jab wo Rama Rao's ke ghar se bahar se ja rahe hote, we left the place on the way, we passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. So jab wo Rama Rao ke ghar se nikal rahe the ya pass by ho rahe the, after that time, at that time Ratna kahan khadi thi? Gate par. I went in alone and come out a minute later. तो वो वहाँ गया और उसने रत्ना को कहा कि तुम दो मिनट के लिए या फॉर अ वाइल यू कैन कम टू मी एंड आई वांट टू टॉक टू यू लाइक दैट. सो सरप्राइजिंग द गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स. लेकिन योर रंगा वांट्स टू मेंशन दैट कि रत्ना जो है वो मैरिड नहीं लग रही थी. Someone told me the other day that she was. So he's saying that कि उसको किसी ने कहा था that रत्ना जो है married है, but ऐसा exactly नहीं था. That रत्ना is not a married woman at all. What Shastri told us has turned out to be true after all. और वो क्या कहना चाहता है कि शास्त्री ने मुझे जो कुछ भी अपने बारे में बताया था कि मुझे एक लड़की मिलेगी जिसका नाम जो है किसी ओशियन से जो है वो रिजेंबल करता होगा, ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ है. एंड सिमिलरली ये जो सब शास्त्री ने कहा है ये जो है सब कुछ सही हुआ है. बट रंगप्पा, आई कैन बिलीव दैट यू हैव बिन थिंकिंग ऑफ हर. बट अब नैरेटर उसे कह रहा है कि रंगप्पा, मैं बिलीव नहीं कर रहा कि तुम इसी बारे में सोच रहे थे. स्वेयर ऑन माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. तो वो कहता है कि अब तुम मुझे माधवाचार्य की कसम खा के बोलो कि तुम जो है, हु इज माधवाचार्य हियर, एन एक्सपोनेंट ऑफ वैदिक वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया, कि माधवाचार्य की कसम खा के बताओ दैट इट इज़ ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, जो भी शास्त्री ने कहा ऑल दैट इज ट्रू और नॉट. सो I don't know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. तो रंगा कहता है कि मुझे नहीं पता कि कोई मेरी तरह इतना directly इस बारे में बात करता है या नहीं करता है. There's greater truth in that शास्त्र that we imagine. वो कहता है कि शास्त्र जो हैं उनमें हमारी imagination से ज़्यादा सच छुपा हुआ था. That is like the hidden truth in the Shastras. What he said is absolutely true. और जो भी उसने कहा that is वो सच है. शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. आई सेड सो शास्त्री गेव यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन. व्हाट अ मार्वेलस शास्त्र योर इज. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. सो नेक्स्ट इवनिंग, उसी दिन इवनिंग में जो हमारे स्टोरी के नैरेटर हैं श्यामा, वो शास्त्री के घर जाते हैं. शास्त्री को बोलते हैं
कि शास्त्री गेल, तुमने जो है बहुत अच्छा वर्क करा है, और जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था दैट वॉट एवर आई हैव टॉट यू अर्लियर यू हैव प्रिटेंडेड टू बी लाइक द सेम, और तुमने किसी को यू हैवन गिवन एनी चांस ऑफ लाइक सस्पिशन टू एनी बडी, एंड देर इज नो गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन हियर. सो वॉट अ मार्वलस शास्त्र, तुम्हारा कैसा मार्वलस शास्त्र है. योर इज ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, और तुम्हारा शास्त्र जो है उसे पसंद नहीं आ रहा. वॉट आर यू सेइंग, वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्र. तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया. डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. तो शास्त्री उसे कहता है डोंट फॉरगेट, तुम भूलो मत कि जो हिंट्स मैंने तुम्हें दिए थे ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव सेड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बॉय एंड गर्ल. टेल मी इज दिस वॉट अ डिसेंट मैन सेज. क्या तुम मतलब मुझे बताओ कि कोई ऐसा डिसेंट व्यक्ति ऐसा करता है या नहीं करता है. स्टूडेंट्स आई एम रीडिंग योर. सो रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, वॉट द ओकेजन आई आस्ट. और उस दिन के बाद वो शास्त्री के घर से चला जाता है. नेक्स्ट डे के लिए रंगप्पा किसे इन्वाइट करता है, उसे नैरेटर को, एंड उसे रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, वॉट द ओकेजन आई आस्ट. उसने कहा कि रंगप्पा ने मुझे अगले दिन के लिए डिनर के लिए इन्वाइट किया, तो उसने पूछा कि ओकेजन क्या है जो तुम्हें डिनर के लिए इन्वाइट किया. इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. और अब जो स्टोरी का एंड है दैट इज क्वाइट यू कैन से दैट अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ, कि रंगा जो है वो नैरेटर को इनवाइट करता है, एंड रंगा ने जो है वो किसका नाम रखा है, श्यामा. श्यामा जो है वो रंगा का बेटा है 3 साल का. सो रंगा श्यामा का बर्थडे ही इज 3. इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा आई सेड. तो वो कहता है कि एक अच्छा नाम नहीं है श्यामा. आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो एक डार्क दिखने वाला पीस हूँ ऑयल केक जैसा. व्हाई डिड यू हैव गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, तो तुमने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे क्यों रखा. व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू. तो वो कहता है कितना बचपना है तुम्हारे में और रत्ना में. नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक. सो रंगप्पा बिकॉज वो क्या होता है अकाउंटेंट का सन होता है, एंड ही वेंट टू लाइक इन द सिटी ऑफ बैंगलोर फॉर हिज फर्दर स्टडीज, एंड ही इज़ ओनली द वन हु go outside to the village to get his further studies or to for his further studies. That is why यहाँ रंगा explanation देता है कि English customs के according जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो according to that आपको अपने बच्चे का नाम वही रख देना चाहिए. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? तुम्हारी wife अभी 8 महीने pregnant है, तुम्हारी mother की खाना बनाने में कौन मदद करेगा. माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, मेरी सिस्टर जो है वो उनकी मदद करने आई है. आई वेंट देयर फॉर डिनर, श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड एंड प्लेस टू व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग्स. आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर. तो वो कहता है आई वेंट देयर फॉर डिनर, जो हमारी स्टोरी के नैरेटर हैं वो डिनर के लिए वहाँ गए. श्यामा रश्ड टू मी, सो रंगप्पा का जो एक बच्चा है वो छोटा है, दैट इज़ लाइक ही इज़ लाइक उसका 3rd birthday मनाया जा रहा है. एंड सेकेंडली उसकी वाइफ जो है वो उसको इशू है या एक्सपेक्टेंट है, सो शी इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ. एंड व्हेन आई वॉक्ड इन, जब वो अंदर जाता है एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माय लेग्स, तो उसके आर्म्स जो हैं वो रंगप्पा के लेग श्यामा के लेग्स को पकड़ लेते हैं. किसके, दैट मीन्स रंगप्पा का जो बेटा है उसके आर्म्स जो हैं वो हमारे स्टोरी के नैरेटर जो है उनके लेग्स को पकड़ता है. आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स, वो उसके चीक्स पे किस करते हैं. एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी फिंगर एज अ बर्थडे गिफ्ट, वो इसको एक छोटी सी रिंग जो है उसकी
टाइनी फिंगर्स में पहना देते हैं, टाइनी लिटिल फिंगर. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज योर रेडी टू सर्व यू. नाउ योर नैरेटर इज आस्किंग फॉर परमिशन दैट माई डियर रीडर्स, अब मुझे आप अलाउ करें कि मैं जो है वो आपको आगे सर्व कर सकूँ. इसके लिए यू आर नॉट बोर्ड आई होप. सो नैरेटर जो है वो कह रहे हैं कि आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ये स्टोरी सुनने के बाद मुझसे बोर नहीं होंगे. हियर इज योर सेवेंथ पार्ट ऑफ द वीडियो स्टूडेंट्स, एंड सून आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी एट योर होम. थैंक यू ऑल.